नमन, अपने पुरखों को नमन और आप सभी को मेरा नमन जोहार। यहाँ पर आयोजन समिति को भी लाख लाख जोहार। दोस्तों, हम यहाँ झाबुआ जिले से आए हैं। आज का विषय जो है वो हमारे समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हमारे जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। 75 से 77 साल होने आए देश आजाद हुए, लेकिन इसका क्या कारण है कि देश आजाद होने के बाद भी आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हमारा समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज भी मजदूरी के लिए, पलायन के लिए भटक रहा है। आज भी हमारा समाज कई धर्मों में बटा हुआ है, आज भी हमारा समाज कई पार्टियों में बटा हुआ है। उसका क्या कारण है यह आप हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। आज आपके हर घर पे मोबाइल है, आपके हर घर पे टीवी है, आज आप हर घर पे न्यूज़पेपर आता है, आज आपको पूरे देश दुनिया में हर किसी को, हर एक आदिवासी भाई बहन को यह पता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हमारे आदिवासियों को, हमारी बहन बेटियों को खुलेआम मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को खुलेआम नंगा करके उनका लटकाया जा रहा है और उन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देश आजाद होने के बाद भी ये शोषण हमारे साथ क्यों हो रहा है? आज पूरे देश में आप देखिए किसी समुदाय, किसी वर्ग के साथ में शोषण नहीं हो रहा है, आदिवासी के साथ में ही सिर्फ इतना अत्याचार और शोषण हो रहा है। तो ये आप हम सबको सोचने समझने की जरूरत है। आज आप नहीं जगे, आज हमारे समाज को एक नहीं किया, आज आप हम सब एक जाजम पर आकर नहीं बैठे तो आने वाली पीढ़ी को कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इस आजाद भारत में यदि ये दुर्दशा है, आज हमारे जल जंगल जमीन को पूरी तरह से छीन लिया गया। जब हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों ने जो जमीन उपजाऊ थी, खेती के लायक, जो खेती की जरूरत के लिए जो हमारी जमीन थी, उतनी ही जमीन का उपयोग करते थे, बाकी जमीन जो गाय भैंस चराने के लिए वो छोड़ देते थे, चारा काटने के लिए छोड़ देते थे, जंगल छोड़ देते थे। लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट बनाया। फॉरेस्ट के नाम से जितनी भी आदिवासियों की जमीनें थी, हर पंचायत में फॉरेस्ट के नाम से जमीन को हड़पा, उनकी बाउंड्री बना दी। उसके बाद में जब हमारे पास जो गाय भैंस चरने के लिए जो जमीन पड़ी थी, आज वो भी उनको खटक रही है, तो उस जमीन को भी उद्योग के नाम से घोषित करके आज आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है। आज झाबुआ जिले में और धार जिले में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। एक लाइन कॉरिडोर बना तो आपके इस क्षेत्र से होकर भी गया है। आज जो आदिवासी समाज इस देश का मालिक था, इस माई माटी का मालिक था, इस जमीन का मालिक था, आज वो एक लाइन पे झाड़ू निकाल रहा है। आज हमारी माताएं बहने वहां पे झाड़ू निकाल रही है, मजदूरी कर रही है, ये दिन आ गया है। आप सोचिए कि जो आपकी खेती की जमीन है वो भी कहीं ना कहीं डैम बनाकर उसको डुबाया जा रहा है, गांव के गांव खत्म किए जा रहे हैं, कंपनियों के नाम से गांव के गांव बेदखल किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए यदि आपकी जमीन नहीं रहेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी? ये आप हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है इस देश में। यदि किसी के ऊपर खतरा है तो वो आदिवासी के ऊपर खतरा है, क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि इस देश का मालिक आदिवासी है। इसीलिए इन लोगों को खटकता है कि इस देश के मालिक को पहले खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए आदिवासी को खत्म करने के लिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर दी है। तो आप हम सबको इतना निवेदन है कि आज हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आदिवासी के पास क्या है ये थोड़ा सोचिए आप। आज भी आदिवासी दार की मजदूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश का आदिवासी आज गुजरात में मजदूरी के लिए आ रहा है तो इधर हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण होता है। आज दर दर भटक रहा है हमारा समाज। आज आप गैर आदिवासी के पास देखिए, उनके
खुद के सामुदायिक भवन है, उनकी खुद की स्कूल है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, उनका खुद का व्यापार है। लेकिन एक आदिवासी समुदाय इस देश में ऐसा है कि इस समुदाय के पास इनमें से कोई सी भी चीज नहीं है। क्या आज भी आदिवासी के पास, आदिवासी के देश आजाद हुआ वहां से प्रतिनिधि हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, जिला पंचायत हुए, जनपद हुए, सरपंच हुए, लेकिन क्या आदिवासी के पास में आज तक स्कूल का निर्माण हो सका? क्या आदिवासी के पास खुद का सामुदायिक भवन हो सका? क्या आदिवासी के पास खुद का व्यापार हो सका? क्या आदिवासी के पास अपनी शिक्षा की व्यवस्था हो सकी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारी व्यवस्था क्या है? यदि आने वाले समय में भूखमरी आती है, आने वाले समय में ये मुट्ठी भर अनाज के लिए हमें तड़पना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? आज आप आने वाले समय में आप कैसे अपनी पीढ़ी को जिंदा रखोगे? क्योंकि जो गैर आदिवासी है उनके पास तो अपनी खुद की व्यवस्था है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, खुद का व्यापार है, खुद का उद्योग है, उनके पास खुद की सामुदायिक भवन है, तो वो अपने समाज अपनी कौम को जिंदा रख लेंगे। लेकिन आदिवासी अपनी कौम अपने समाज को जिंदा कैसे रखेगा? इस बात पे हमको अमल करना चाहिए, इस बात पे हमको सोचना चाहिए कि हम अपने समाज को आगे कैसे जीवित रखेंगे, आगे शिक्षा कैसे दे पाएंगे, आगे व्यापार कैसे दे पाएंगे, और हमारे जल जंगल जमीन को कैसे बचा पाएंगे, इस और हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत धर्म में भटक लिया, कई धर्मों में हमारे टुकड़े कर दिए, हमारे कई राजनीतिक टुकड़े कर दिए, हमको कई प्रकार से लालच लोभ देकर हमारे समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, और आज आदिवासी को एक नहीं होने दिया जा रहा है। अब तो आप समझ जाओ, अब तो अपने आप में आदिवासी खुद जाग सकता है, अब तो आदिवासी खुद अपने आप में समझ सकता है, क्योंकि आपके हर घर पे मोबाइल है, आपके हर घर पे टीवी है, आपके हर घर पे न्यूज़पेपर आता है। आदिवासियों पे दिन ब दिन अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। बड़ा दुख होता है कि मेरा समाज आज भी सोया हुआ है। बड़ी शर्मिंदगी है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बचा पाएंगे। बड़ी शर्मिंदगी है कि जब भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति पैदा होगी तो हम हमारे कौम को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज एक होना ही नहीं चाहता है। हमारा समाज अपने आप में सब जानता है, लेकिन सोच सुन के, समझ के या पढ़ के या देख के उसको अनदेखा कर देता है। तो इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी कौम को अगर जिंदा रखना है तो गांव गांव जन जागरण कीजिए। जहां एक गैर आदिवासी का उदाहरण ले लीजिए और एक आदिवासी का उदाहरण ले लीजिए, यदि गैर आदिवासी के ऊपर अगर कोई अत्याचार, शोषण या कोई घटना घटती है तो पूरे देश में आंदोलन हो जाता है। ये उनकी एकता है। धंधा वो भी करते हैं, व्यापार वो भी करते हैं, अलग अलग वो भी रहते हैं, उनके बीच में भी बोलचाल होती है। लेकिन एक आदिवासी समुदाय ऐसा है कि भले मार्केट में यदि किसी को मारा जा रहा है तो वो समाज देखता है, खेल देखता है, वीडियो बनाता है और हंसता है, करे कौन इसके झंझट में पड़े, अपने ऊपर केस हो जाएगा। ये है हमारे समाज की स्थिति। लेकिन आज मेरा यही निवेदन है आपको, जिस धर्म में रहना रही है, कोई सी पार्टी में रहना रही है, किसी संगठन में रहना रही है, लेकिन जहां हमारी कौम हमारे समाज की बात आती है वहां एक हो जाइए। अभी भी वक्त है, हमारा जल जंगल जमीन भी हम बचा सकते हैं, हमारी व्यवस्था का निर्माण भी कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम बचा पाएंगे। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। Thank you.